और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर की और पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं अंकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। वनत्रा रिजॉर्ट की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ा है वनत्रा रिजॉर्ट, जिसका पहले भी नाम आ चुका है और एक बार फिर अब ये नाम सुर्खियों में है क्योंकि इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री बंद होने के बाद भी आग लगी है और अब जब आग लगी है इस घटना से जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। तो पौड़ी से खबर, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। वनत्रा रिजॉर्ट की फैक्ट्री में भीषण आग लगी और जिस प्रकार से जो है आग लगी उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है क्योंकि वनत्रा रिजॉर्ट का नाम पहले भी जब जाहिर हो चुका है अंकिता मर्डर केस से ये नाम जुड़ा है और अब इसी कारण से जो है पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में है पुलिस प्रशासन। फैक्ट्री बंद होने के बाद आग लगी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगवान सिंह जी, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगी, अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि फैक्ट्री बंद थी, आखिर आग कैसे लगी और अगर अब जब आग लगी है तो इसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। अठारह सितंबर को रिजोर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, जिसके बाद यह सिर्फ रिजोर्ट मालिक पुनीत आर्य और सौरभ भास्कर गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया है। ताकि मैं बता दूं, जब स्वयं खुद उस समय जब यहाँ पर ये 24 तारीख को जो घटना थी, बहुत बड़ा भयंकर घटना थी, बड़ी बड़ी घटना थी ये पौड़ी जनपद के लिए। और आज मैं जैसे ही देखा, मेरे को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जैसी तेजी से वायरल हो रहा है कि अंकिता मर्डर केस की जो फैक्ट्री है जो कि रिजोर्ट के अंदर, क्योंकि मैं रिजोर्ट स्वयं मैं खुद वहां गया था उस समय जब हमने कवरेज करी थी, तो वहां पर देखा गया था कि रिजोर्ट के पीछे बगल में एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री पे वहां पे आंवला है, तमाम इन चीजों के आयुर्वेद के जो वहां पे दवा बनती थी, मुरब्बा वगैरह इस तरह का बनता था, उस फैक्ट्री में आग लगा दी गई है। तो वही सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल इसलिए जरूर खड़े होते प्रशासन से क्योंकि वहां पे रिजोर्ट पे पुलिस का पहरा लगाया गया है। अब वहां पे कौन ड्यूटी पे था, कौन क्या था, लेकिन कहां से ये आग लगी है, अब इसका सवाल खड़े जरूर होते हैं। लेकिन प्रशासन की बात करें तो अभी जैसे क्योंकि कल ही यहाँ पे एसएसपी ने इसी संबंध में जो कि एसएसपी पहले थे यशवंत सिंह चौहान को, उनको हटा दिया गया है। जिलाधिकारी उनको विजय कुमार जगदंडे को हटा दिया गया, उनकी जगह आशीष चौहान को यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात करें तो एसएसपी श्वेता चौबे ने तो अपना पद ग्रहण कर लिया गया है। साथ ही साथ अब ये है यहाँ पे जिलाधिकारी भी, इस समय मैं बता दूं आपको, जिलाधिकारी इस समय है नहीं यहाँ पे क्योंकि डीएम जो है विजय कुमार जगदंडे तो है, लेकिन उनका यहाँ से उनको हटा दिया गया है। उसके पास ही साथ ही साथ जो अंतर रिजोर्ट की बात करें तो आज जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, तब प्रशासन की कहीं ना कहीं आप इसमें सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इसी परिस्थिति में सवाल खड़े होते हुए पूरा मैं आपको बता दूं, एसएसपी और डीएम को हटा दिया गया था और पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया गया था लगातार। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये हो रहे हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने ये आग लगाई है, क्यों कर लगाई है, कारण क्या था और किस तरह से, क्योंकि पुलिस प्रशासन आज के फ्रंट पर रहता है और पीछे साइड से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे जो पीछे से आप देख रहे होंगे तस्वीरों में साफ कि वहाँ पे जो खेती बाड़ी का जो वहाँ पे फसलें हैं और वो धान की खेतें हैं, उस तरह की साइड से खेतों की तरफ आग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं आग इतनी भयंकर होकर एक वहाँ पे फायर ब्रिगेड को टीम को भेजा गया है। अब सवाल यहाँ पे खड़े इसलिए होते हैं कि प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने कौन लोग थे, क्या किस तरह से अब होती है। जी बिल्कुल भगवान सिंह जी, जिस प्रकार से अब जब आग लगी है फैक्ट्री बंद होने के बाद और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो क्या अब और कोई टीम जांच करेगी कि कैसे आग लगी, किसने आग लगाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन खुद अगर सवालों के घेरे में तो जांच के किसी और को सौंपी जा सकती है। बिल्कुल सवाल, क्योंकि जो उसमें आपको बता दूं जिसके इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जिन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है, आप सोच लीजिए उनका भी एक ट्वीट, उन्होंने भी साफ कहा है कि कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। अब कौन जांच करेगा इस तरह से जो वनिता रिजोर्ट के पास पीछे फैक्ट्री में आग लगी है और क्या ये मामला, क्योंकि पहले भी लोग एसआईटी टीम से जांच से खुश नहीं है, वहीं अब उसके पिता तमाम स्थानीय लोगों का यही कहना है कि सीबीआई की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वही सुनचित आर्य के पिता और के खिलाफ भी यही चाहते हैं, ये अंकिता पिता जब भंडारी के पिता, कि सुनचित आर्य के पिता को और
के पिता की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि जो सरकारी काम जिसमें काम वाले उसमें जांच में वो कर रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, जिनको कम से कम उनको उनको भी खिलाफ कर रहे हैं उनसे। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि जांच किस तरह से होती है, और जो जांच है उससे अभी भी लोग उससे खुश नहीं है। तमाम संगठन इस समय जो अंकिता भंडारी के गांव में लगातार पहुंच रहे, आए दिन कोई ना कोई पहुंचता जा रहा है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हाथ खींची है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर सवाल खड़े जरूर उठते हैं। पूनम भगवान सिंह जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जब फैक्ट्री में आग लगी, क्योंकि फैक्ट्री बंद होने के बाद भी आग लगी, अब ऐसे में पुलिस प्रशासन भी जो है सवालों के घेरे में है। और अब ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मांग लगातार उठ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी जांच किसी और को सौंपी जाए, क्योंकि फैक्ट्री के बंद होने के बाद भी अगर आग लगती है, और ऐसे में पहले भी पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में रहा है और सीबीआई जांच की मांग भी समय समय पर उठती रही है, चाहे अंकिता के परिजनों की तरफ से की जाए या फिर विपक्ष की तरफ से की जाए।